चलो उठते हैं, 5 o'clock हो गया। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। जय भगवान जी। बाबू उठ जाओ बेटा, स्कूल नहीं जाना। डुगो बच्चे को आराम से हिला के जगाना है, पैर के तरफ से, और बहुत ज़्यादा तेज नहीं हिलाना है, आराम से उठ जाओ बाबू। चलो मैं उठती हूँ। देखो सूर्य भगवान निकले हैं। चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग। शीशा नहीं देखनी है, ठीक है? सबसे पहले फेस वॉश कर लेते हैं, नीचे नीचे फेस करके, शीशा के तरफ नहीं देखेंगे। उसके बाद झाड़ू लगाएंगे। झाड़ू की शुरुआत दक्षिण दिशा से नहीं करना है, पूरा पश्चिम उत्तर के तरफ से करनी है। किचन सबसे पहले झाड़ लेनी है, थोड़ा सा बाहर तक झाड़ू को छुआ देते हैं, बाहर तक हमें कचरा कर देनी है, निकाल देनी है, ठीक है? उसके बाद बाहर थोड़ा सा ना पानी का छिड़काव करेंगे। सुबह सुबह अपने दरवाजे के सामने ना पानी का छिड़काव जरूर करनी चाहिए। अगर आपका सीढ़ी है तो उसको धो दीजिए पानी एक बाल्टी डाल के, लेकिन मेरा तो सीढ़ी नहीं है। बाहर थोड़ा सा ना छिड़काव कर दें, अच्छा होता है सुबह के टाइम घर के दहलीज पे थोड़ा सा पानी का छिड़काव करना। ये हो गया। तो बिना नहाए किचन में साफ़ सफाई के लिए हम आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें स्नान करके ही किचन में इंटर करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि रात में हम अपने देवी देवताओं के लिए एक गिलास पानी और थोड़ा एक रोटी जो हमें ढक कर रखनी थी, वो देखिए मैं ढक कर रखी हूँ, और थोड़ी सी सब्जी। तो इस रोटी को मैं सबसे पहले चिड़ियों को खिलाऊँगी, तो जा रही हूँ जहाँ चिड़िया आती हैं वहाँ तोड़ कर डाल दूँगी। आप लोग चाहें तो चिड़ियों को दे सकते हैं, या आप लोग चाहें तो जैसे गाय को भी खिला सकते हैं। तो अभी ब्रश नहीं की हूँ, केवल किचन की साफ़ सफाई के लिए आई हूँ। तो यहाँ रात में मैं कढ़ाई को धोकर नहीं सोती, और तवा को, बाकी सारे बर्तन देखिए मैं धुल ली हूँ एकदम। किचन मतलब बहुत नीट एंड क्लीन नहीं की हूँ, डीप क्लीनिंग नहीं की हूँ, थोड़ा बहुत रात को मैं करके सो जाती हूँ। तो देखिए अभी मैं तवा और कढ़ाई को साफ़ कर लूँगी। तो दो ही चीज़ मैं रखती हूँ, बाकी सब चीज़ मैं धो लेती हूँ। दोस्तों हमारा बर्तन भी धुल गया, हमारा झाड़ू भी लग गया। अब हमें क्या करनी है, आप चाहें तो किचन को आप लोग पोंछ कर भी भोजन मतलब नाश्ता वगैरह बना सकते हैं, लेकिन अगर समय नहीं है तो केवल आप पूजा रूम को पोछा लगाकर पूजा कर सकती हैं, किचन चाहे तो पोछ सकती हैं। अगर मेड आती है तो केवल स्लैब आपको पोछ लेनी है। आपके किचन में रसोई घर में जितना ही ये सेल्फ है इसको आप लोग पोछ लीजिएगा काउंटर टॉप को, और उसके बाद हम जो है ब्रेकफास्ट वगैरह बना सकते हैं नहा धो के। लेकिन मान लीजिए कि आपको समय है तो आप डीप क्लीनिंग पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि सारे बेड जो है ऐसे पड़े रहते हैं और फिर हमको दोबारा मेहनत करना पड़ता है। तो सबके जाने के बाद आप लोग अच्छे से डीप क्लीन कीजिए। सुबह में जो नियम है वो आप लोग कर लीजिए, ठीक है? झाड़ू वगैरह डीप क्लीनिंग कर लीजिए, पोछा आराम से कीजिएगा सभी के जाने के बाद। तो देखिए हम अपने किचन में मतलब काउंटर टॉप को सुबह सुबह हमें जरूर पोछ कर ही पानी गर्म करना चाहिए। या आपको जैसे चाय वगैरह भी बनानी है तो आप लोग किचन को सुबह में जरूर पोछ लीजिए। रात को बहुत ज़्यादा मैं डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ, सुबह ही उठकर, सभी लोग देखिए सोए रहते हैं तब तक मेरा बहुत सारा काम हो जाता है। आप लोग बहुत दिन से बोल रहे थे दीदी अपना मॉर्निंग रूटीन दिखाइए, आप सुबह में कैसे करती हैं। उस बार के वीडियो में जितना चीज़ मैं की थी सब गलत ही की थी, जो हमारे घर के सुख समृद्धि के लिए अच्छा नहीं है। और ये सब नियम अगर हम सुबह सुबह कर लेते हैं तो हमें समय भी बहुत अधिक मिलता है और फिर हम आगे कुछ और कर सकते हैं, ठीक है? तो मेरा किचन जो है अच्छे से साफ़ हो गया।
अब हमें क्या करनी है कि अब हम चलेंगे, ब्रश करेंगे, स्नान करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। कि स्नान के बाद हमें क्या क्या आगे करनी है, ऑफिस जाने से पहले, हस्बैंड के बच्चों को स्कूल जाने से पहले हमें कौन कौन से कार्य कर लेनी है, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट बनाएंगे। अगर हम सुबह में देखिए सारे काम निपटा लेते हैं तो समय से हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, हमारा तबीयत भी ख़राब नहीं होता, और लेट होता है तो पूजा में भी लेट हो जाता है और फिर हम कुछ खा नहीं पाते। तो आप लोग चाहे तो चाय पानी करके भी पूजा कर सकती हैं, ऐसे आज वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी ध्यान रखें कि बिना खाए ही भगवान की पूजा सुबह सुबह कर ले, उसके बाद आप अपने अन्य कार्य में लगिए। तो चलिए अब आगे मैं ब्रश करूँगी। बिना ब्रश किए हमें भोजन वगैरह नहीं बनानी है, किचन की साफ़ सफाई मैं कर ली, ठीक है। आप लोग पूछते हैं दीदी बिना नहाए बिना ब्रश किए किचन में क्या जा भी नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। साफ़ सफाई के लिए आप लोग किचन में एकदम आराम से जा सकती हैं। मैं ब्रश कर लूँ, करूँगी तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, चलिए नियम बस बता दे रही हूँ आप लोगों को। तो आपने देखा दोस्तों सारे कार्य मैं कर ली, अब मैं स्नान करके आ गई। अभी घर के लोग सोए ही रहते हैं, कोई जग जाता है कोई सोया रहता है, बच्चे तो सोए ही रहते हैं। तो मान लीजिए 7 बजे भी आपके हस्बैंड जा रहे हैं तो आपको क्या करनी है कि आप लोग सारे कार्य छोड़ दीजिएगा, केवल डायरेक्ट आप जाके नाश्ता बना सकती है, चीनी मुँह में डाल लीजिएगा जिससे कि खराश ना हो। लेकिन जिनके 8 बजे से 9 बजे से जा रहे हैं आपको पूजा कर लेनी है। तो पूजा करने से पहले आप लोग जो है बहुत टेंशन लेती है, दीदी हम लोग डेली बाल धोएं स्नान करें तो कैसे करें क्या करें, तो मैं बोली हूँ ना कि अगर सिंदूर लगा लेते हैं तो आप पूरी तरीके से पवित्र हो जाते हैं। अगर मन में आपको टेंशन चल रहा है कि मतलब हम कैसे पूजा करें क्या करें, तो आप चाहे तो सिंदूर लगा कर भी पूजा कर सकते हैं, आप चाहे तो बिना सिंदूर लगाए भी पूजा कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपके हस्बैंड 7 बजे भोर में ही जा रहे हैं, मतलब भोर तो नहीं बोलेंगे 7 बजे ही जा रहे हैं, तो आप पूजा वगैरह जाने के बाद करें, ये समझाना चाह रही हूँ। क्योंकि आप लोग पूछ रहे दीदी हम लोग कैसे सुबह का काम करें, जब बहुत अधिक सुबह जाते हैं तो आप लोग पूजा जाने के बाद कीजिए। लेकिन मान लीजिए अगर लेट से जाते हैं, बच्चे भी 8 बजे जाते हैं, तो आप लोग पूजा कर ले जिससे कि आपका तबीयत खराब नहीं होगा, कुछ भी खा सकती है, जिनको बिन खाए करना है उनके लिए। और अगर मान लीजिए कि लेट हो रहा है तो आप लोग चीनी या कुछ भी फल फलहार गुड़ वगैरह मुँह में डाल सकती हैं। तो पहले मैं सिंदूर लगा लेती हूँ। तो सिंदूर कैसे लगाएंगे, पहले दिशा देख लीजिएगा, बैठ कर लगानी चाहिए। लेकिन मैं कैमरा के लिए देखे वायर वगैरह लगाई हूँ माइक, तो इसीलिए सर पे पल्लू रख के सिंदूर लगाते हैं। बाल में कंघी किए हैं तो भी, नहीं किए हैं तो भी, कई ऐसी मेरी बहनें कहती हैं कि दीदी हम लोग डायरेक्ट सिंदूर नहाकर नहीं लगाते हैं, मतलब डेली के लिए, और बाल धोने के बाद तो कई लोग लगाते हैं। तो मान लीजिए आप नहीं लगाते तो आप कंघी भी कर सकती हैं, कंघी कर लीजिए, थोड़ा बहुत क्रीम पाउडर लगाना है तो लगा लीजिए, समय है तब, नहीं है तो केवल सिंदूर लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पवित्र आप होकर फिर पूजा कर सकती हैं। चलिए अब मैं चल पूजा रूम में जाऊंगी सबसे पहले, और जो है हम सूर्य देव को जल देंगे, ठीक है। तो मैं जल देकर दिखाऊंगी, वीडियो बड़ा हो जाएगा तो फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया के लिए बता दे रही हूँ। सबसे पहले हम पूजा रूम मैं पोछ ली हूँ, देखिए बाकी सब मैं बाद में करती हूँ, कितना चीज़ आपको दिखाऊंगी, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो पूजा रूम जैसे मैं सबसे पहले अलग से एक पोछा रखी हूँ, पोछ लेती हूँ, बाकी सब काम मैं जाने के बाद, मतलब डीप क्लीनिंग जो बेड वगैरह ठीक करना वो सब मैं करती हूँ। आप सूर्य देव को जल ना, जैसे तांबे के लोटे से भी दिया जाता है तो आप सूर्य देव को जल दे सकती हैं, वो मैं करके दिखा चुकी हूँ, फिर आज इस वीडियो में भी दिखाऊंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले सूर्य देव को जल देते हैं नहा धो के आके, और पूजा रूम नहा धो के आके मैं पोछा लगाती हूँ, ठीक है। एक छोटा सा कपड़ा रखी हूँ, केवल पूजा रूम पोछती हूँ, बाकी सब चीज़ मैं बाद में करूँगी इन लोग के जाने के बाद, क्योंकि नाश्ता बनाना है तो देर हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या क्या डालनी है, तो देखिए जल लेनी है और सूर्य देव के लिए, और इसमें रोली डालनी है, लाल वाला जो है ना रोली हमें डालनी है, रोली डालेंगे और फूल डालेंगे, अक्षत डालेंगे, ठीक है। और भगवान के जितने बर्तन है धो कर मैं रखी हूँ, तो हम सूर्य देव को सबसे पहले एक फूल डालकर जल देकर आएंगे, पतीला में देंगे, ठीक है, पतीला में आप लोग दे लीजिएगा, समय है तब, नहीं है छोटा बच्चा है मत दीजिएगा। और उसके बाद हम भगवान की पूजा करेंगे। देखिए मैं पूजा विधि बना के वीडियो डाल चुकी हूँ, सभी देवी देवताओं को पोछ लेनी है, फिर दोबारा आप लोग को बताऊंगी तो वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। आप लोग चेकआउट कीजिएगा प्रतिदिन पूजा कैसे करते हैं, सुबह सुबह ही मैं कर लेती हूँ क्योंकि उसके बाद भी मुझे बहुत काम रहता है, तो सुबह सुबह सबके उठने से पहले हम पूजा कर लेंगे। ओम जय जगदीश हरी, स्वामी जय जगदी,
सहरे भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। और मैं प्रसाद वगैरह भगवान को मतलब प्रसाद चढ़ा के 2 मिनट के बाद आप लोग उठा लीजिएगा, और सुंदर कांड वगैरह सुबह ही पढ़ लेती हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे बिल्कुल समय नहीं मिलता। और फिर हम तुलसी माता की पूजा करते हैं, तो तुलसी माता की पूजा विधि आप लोग पूछ रहे थे, तो देखिए मैं तुलसी माता की पूजा करके कार्तिक के महीने में डाल चुकी हूँ, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, उसी प्रकार से आपको करनी है। तो इसके बाद मैं तुलसी जी की पूजा करती हूँ, पहले मंदिर में कर लेती हूँ फिर तुलसी माता की प्रतिदिन पूजा करती हूँ, रविवार और मंगलवार को नहीं करती हूँ। अब यहाँ से भगवान को प्रणाम करेंगे, इसके बाद मुझे जल्दी से कहाँ जाना है, रसोई घर में, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है और हस्बैंड को ऑफिस जानी है। तो चलिए रसोई घर में चलते हैं और जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाते हैं, नहीं तो सबका देर हो जाएगा। तो इतना कार्य मैं सुबह सुबह कर लेती हूँ, उसके बाद मैं भोजन बनाने किचन में जाती हूँ। और रसोई घर आप चाहें तो पोछा लगा लीजिए और पूजा रूम दो अपने हाथ से लगा लीजिए, मेड आती है तो भी, नहीं आती है तो भी, उसके बाद आप लोग डीप क्लीनिंग कीजिएगा, सुबह सुबह मत कीजिएगा, नहीं तो हर कार्य हमारा लेट हो जाएगा, बच्चे भी देर से स्कूल पहुँचेंगे, हस्बैंड भी देर से जाएंगे। तो चलिए अब किचन में चलती हूँ। सबसे पहले हम गैस जलाएंगे और इस पर सब्जी बनाएंगे, क्योंकि देर हो जाएगा। बस आप लोग को आइडिया के लिए मैं थोड़ा सा समझा दे रही हूँ कि मतलब आप लोग कभी भी बिन नहाए किचन में ना आए, एक मन भी फ्रेश रहता है ना, पवित्र रहता है जब हम नहा धो के अपने घर में इस प्रकार से भोजन वगैरह बनाते हैं। तो देखिए पहले सब्जी बनाऊँगी और उसके बाद बच्चों को टिफ़िन दूंगी, नाश्ता दूंगी, और एक तरफ तवा रखूंगी, तवा रख के अब मैं रोटी बनाना स्टार्ट करती हूँ। आटा मैं लगा के थोड़ा बहुत रखी हूँ क्योंकि वीडियो में बहुत सब चीज़ दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे। नाश्ता आप देखिएगा अपने बच्चों के मनपसंद कुछ भी बना सकती हैं, लेकिन रोटी हमारे घर सुबह हम लोग आटे से बनी हुई चीज़ खाते हैं, सुबह सुबह चावल नहीं खाते हैं। तो ये आटा हमारा लग गया, रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं, सब्जी हमारी बन गई है। और देखिए अगर टाइम है तो आप लोग जैसे चाय बना कर पहले पी लीजिए, कुछ भी मुंह में डाल लीजिए पूजा करने के बाद, प्रसाद तो हम खा ही लेते हैं, और आप जो है ना चाय बनाकर पी लीजिए, नहीं तो तबीयत तो गला वगैरह पकड़ लेता है। और वॉकिंग देखिए मैं सुबह सुबह नहीं जाती हूँ, अपने लिए भी तो समय निकालना पड़ेगा, मैं सुबह सुबह वॉकिंग योगा नहीं कर पाती हूँ, समय नहीं मिलता है मुझे, लेकिन शाम को जाती हूँ, ठीक है। इसके बाद इन लोग को विदा करने के बाद डीप क्लीनिंग करती हूँ, बेड वगैरह ठीक करती हूँ, और जो है YouTube का काम करती हूँ, उसके लिए भी समय निकालना पड़ता है। तो पहले तो इन लोग को ब्रेकफास्ट टिफ़िन लंच देना होता है, सभी को देकर भेजकर, और फिर मैं सुबह नहीं जा पाती हूँ, शाम को जाती हूँ। हर चीज़ आपको बता दे रही हूँ, आप लोग बहुत दिन से ये वीडियो मांग रही थी तो सोची कि अब बता देती हूँ, मेरा जो ही टाइम टेबल है, रूटीन है सुबह का, मैं कैसे क्या करती हूँ। समय मिले तो छत वगैरह है तो आप लोग वॉकिंग कर सकते हैं, खुद के लिए भी थोड़ा सा समय निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको मालूम है ना हेल्थ इज वेल्थ, जो शरीर है ना स्वास्थ्य है वही सबसे बड़ा धन है, तो ज़रूर अपने लिए निकालिएगा। देखिए आप खुद सोच के देखिए, उस दिन मैं जितने कार्य की थी सारे मतलब अच्छे कार्य नहीं की थी, बिना ब्रश का बिना नहाए मैं रसोई घर में आ गई थी। और आज ना कोई लक्ष्मी माता ऐसा नहीं है कि दौड़ के कहीं से आ रही है, लेकिन अपना मन जो है ना सुकून मिल रहा है, शांति मिल रहा है, पवित्र लग रहा है कि हाँ हम सब कुछ सही तरीके से कर रहे हैं अपने घर में सुख समृद्धि के लिए। आपको आटा के टुकड़े जो कि मैं अपने एक वीडियो में बता चुकी हूँ पहले डाल देते हैं। आप लोग पूछ रहे थे दीदी बाद में, नहीं मैं बाद में नहीं डालती, मैं पहले ही डाल देती हूँ, उसके बाद मैं रोटी बनाना शुरू करती हूँ। तो ये हमारा जो है पहला रोटी है, और रोटी बनाना शुरू करूँगी। उस दिन मेरी एक रोटी गोल नहीं हुई थी तो भी मेरी बहनों ने कहा था कि नहीं दीदी आप रोटी अच्छा बनाई थी। देखिए ऐसे हम अच्छा ही बनाते हैं, लेकिन कोई देखता है ना, और आपका एग्ज़ाम जब लिया जाता है तो आदमी भूल जाता है। तो इसको हम उतार लेंगे, पहले रोटी का नियम हो जाता है, और तवा को साफ कर लीजिए फिर हम इसके ऊपर डाल देंगे। और आप लोगों को लगता है कि दीदी कुछ करती ही नहीं है, YouTube पे सिर्फ रहती होगी वीडियो बनाती होगी, सोचिए 5 बजे सुबह से उठ के, अभी मैं लेट ही उठ रही हूँ, बहुत सारी महिलाएं मेरी बहनें
चार बजे भी उठती हैं, लेकिन मैं उतना सुबह नहीं उठती हूँ। मेरे घर आराम से सभी लोग जाते हैं, बच्चे 7 बजे जाते हैं, हस्बैंड मेरे लेट ही जाते हैं, वो भी 8-8:30 तक जाते हैं। तो सोच लीजिए इस तरीके से हमें दौड़ना पड़ता है सुबह सुबह। सबका ड्रेस आयरन करके रात में ही रख देती हूँ, ड्रेस वगैरह आयरन कर लेती हूँ, तब सुबह इतना काम रहता है। और पूजा मैं कोशिश करती हूँ कि कर लूँ, क्योंकि मैं भी कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकती हूँ समय से, क्योंकि अपना भी हेल्थ ज़रूरी है। और देखिए ये रोटी आप लोग से बात करने में नहीं बना पाई। देखिए मेरा ब्रेकफास्ट तैयार हो जाता है और फिर मैं टिफ़िन पैक कर देती हूँ सबका। तो देखिए दोस्तों हमारा जो है टिफ़िन रेडी हो गया और पैक कर रही हूँ। तो इस प्रकार से हम टिफ़िन पैक करके बच्चों को, हस्बैंड को सैलेड वगैरह, देखिए अभी नहीं काट रही हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस प्रकार से मैं पैक करके और फल फ्रूट हो वो सब चीज़ें मैं देती हूँ। तो देखिए टिफ़िन भी हमारा पैक हो गया। तो आप लोग पता नहीं क्या क्या बना के देती हैं। और इसको मैं पैक कर दी और सैलेड वगैरह दूंगी, तो अभी वीडियो में नहीं दिखा रही हूँ। खीरा और प्याज का सैलेड भी देती हूँ और टिफ़िन जो है मेरा पैक हो गया। बाद से मैं पैक कर दी। तो देखिए इतना सब कार्य मुझे करना पड़ता है, उसके बाद आप लोग का रिप्लाई वो भी समय निकाल कर देना पड़ता है, नहीं तो बहुत सारी मेरी बहनें गुस्सा हो जाती हैं आप रिप्लाई नहीं दे रही हैं। तो देखिए इसी में से वो भी समय निकालना पड़ता है। आप खुद देख लीजिए कि कितना समय हम लोगों को मिल रहा है। तो YouTube का एडिटिंग है, वीडियो बनाना, रिप्लाई देना बहुत काम है। तो ऐसे हर महिलाओं के लिए काम जो है बहुत अधिक टफ है, जो ही अपने घर का हर कार्य कर रही हैं। तो देखिए टिफिन भी पैक हो गया। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को मेरे जितने रूटीन हैं, मैं क्या क्या करती हूँ, सब कुछ पता चल गया होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए, और जितना ही में रहिए टेंशन फ्री रहिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।